सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी परीक्षा देनी होगी, यानी पहले साल के जो विद्यार्थी हैं उनको भी परीक्षा देनी होगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए, ताकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हर खबर और शिक्षा से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे। दोस्तों, अपने ही फैसले से उलझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अफसर, स्नातक प्रथम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जो मेन खबर शुरू होती है वो ये है कि आपकी दरअसल कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक मंगलवार को परीक्षा समिति की बैठक में स्नातक द्वितीय वर्ष और पर स्नातक और तृतीय वर्ग के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने पर सहमति बनी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर डीआरओ को छोड़कर सभी को प्रोन्नत किया गया है, जबकि बुधवार देर शाम पीआरओ डॉक्टर जवा कपूर ने विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी कराई जाएगी। दोस्तों, यहां पर जो है डॉक्टर जवा जो भी हैं, उन्होंने ये बताया है कि प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की भी परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, यह परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष और साथ ही साथ जुलाई अथवा अगस्त में कराई जाएगी। दोस्तों, अभी इसका क्लियर नहीं है कि आपकी परीक्षा जुलाई में होगी या फिर अगस्त में होगी, लेकिन आपकी परीक्षा या तो जुलाई में होगी या फिर अगस्त में होगी। फिलहाल आपका मई और जून पूरा जो है वो लॉक रहेगा, ब्लॉक रहेगा। मई जून में आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों, यही खबर है कि हो सकता है प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी परीक्षा देनी पड़े। दोस्तों, अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप परीक्षा देना चाहते हैं या फिर आप यूं ही प्रमोशन लेना चाहते हैं। दोनों चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दें, ताकि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी और शिक्षा से जुड़ी हर खबर मिलती रहे। धन्यवाद।